और अब महंगाई ने कह ले कि तमाम अगले पिछले जो रिकॉर्ड है ना वो तोड़ के रख दिए। बहुत महंगाई है, हमारा घर चलाना मुश्किल है। तो आटा जानवर नहीं खाते हैं, जिंदा रहेंगे तो देंगे ना, ये जीने देगा। अच्छा नाज़रीन, हर चीज की जो कीमत है उसको आग लगी हुई, इसे को कहते हैं ना आग लगना कीमत को। जब कीमत को आग लग जाए तो फिर आवाम क्या करेगी? तौबा तौबा ना करे तो क्या करे? एक रुपए के ऊपर 10 गुना प्राइस बढ़ रहे हैं। महंगाई के अलावा गरीब को मारने के अलावा कुछ नहीं किया। इतनी महंगाई हो गई, गरीब आदमी रोटी पेट भर के नहीं खाता। आवाम जो बुनियादी जरूरियात से महरूम होते चले जा रहे हैं, तो जाहिर बात है उस सिचुएशन में, उस हालत में कोई पॉजिटिव कैसे सोचे? नेगेटिव थॉट्स ही जहन में आती हैं, लोग नेगेटिव थॉट्स ही सोचते चले जाते हैं। ये हुकूमत इतनी फेल हो चुकी है, आवाम को बस कह रही है कि कब्रिस्तान भर लो। मनी मनी मोदी से सारी महंगी हो गई भाई। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पाकिस्तान में एक रिपोर्टर है, उसका नाम है मैं हूँ डॉक्टर फजा अकबर खान और मैं हूँ पाकिस्तान। वो हमेशा अपना प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक कहानी जरूर सुनाती है, दो से तीन मिनट की। नाज़रीन, मिस्र का एक अमीर बिजनेसमैन था, उसकी उम्र तकरीबन 50 साल के करीब थी। तो आपका भाई फिजा अकबर खान के लिए लेके आया एक छोटी सी कहानी, तो आप भी सुनिए। ये कहानी शुरू होती है हीरा मंडी लाहौर से। वहाँ एक कामुक मादा अपने लक्षणों की वजह से वहाँ तक चली जाती है। फिर एक दिन उसे एहसास होता है कि नहीं, मैं ये जो कर रही हूँ वो गलत है। तो वहाँ से चोरी छुपके भागते हुए वो सीधा पहुँचती है इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में इसको दो डिग्री का इंतजाम हो जाता है, एक तो डॉक्टर की और दूसरी ये मास मीडिया की। अपने हुस्न का जलवा दिखाकर ये धीरे धीरे चीफ एडिटर बन जाती है, न्यूज एंकर बन जाती है, ये यहाँ तक पहुँच चुकी है। मैं हूँ। अपने हुस्न का जलवा लेटा 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 के ये इस स्टेज तक पहुँच चुकी है कि इसका प्राइम टाइम के अंदर शो आता है आज की डेट में। अबे हर बात मीडिया पर नहीं बताई जा सकती। अब आप पूछेंगे मुझसे, आप भाई आपने ये कहानी क्यों सुनाई? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो भाई कहानी की बात ऐसी है, ये जिस औरत की कहानी है वो भारत को, मोदी को रात दिन 24 घंटे पानी पी पी के कोसने वाली ये औरत। लेकिन सुन के अच्छा लगा। ISI की दलाल इमरान खान की चमची। मैं जानता हूँ। आज इसने 3 साल में पहली बार अपना आईना साफ किया है, अपने आप को देखा है। तो आपका भाई ये वीडियो कैसे मिस कर सकता था? ये वीडियो तो देखना बनता है मेरे भाई। अभी मजा आएगा ना वीडियो। आज के वीडियो में सबसे स्पेशल बात यह है कि इसने आज भारत को गालियां नहीं दी है, थोड़ी बहुत दी है तो वो इतनी से तो हमको आदत हो गई अब सहने की। फिजा खान के मुंह से गालियां भी अच्छी लगती है। सह लेंगे थोड़ा सा। एग्री हो तो कमेंट कर देना। नहीं। अब बात करते हैं मुद्दे की। पाकिस्तान में गरीबी का लेवल निचले स्तर से भी निचले स्तर जा चुका है। पाकिस्तान की जनता त्राहिमाम 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 कर रही है। महंगाई की मार उन पर बहुत बुरी गिर रही है। खाने को दाने नहीं है। जो 2 टाइम का खाना खाते थे उनको 1 टाइम का भी नसीब नहीं है। जो 1 टाइम का खाते थे वो पानी पी के अंडा खा के अपना दिन गुजारने को मजबूर है। इस तरीके के आवाम में इनके हाल हो गए। तो आज फिजा खान अपने इमरान खान को आईना दिखा रही है, और साथ में आपका भाई आपके लिए लेके आया पब्लिक रिव्यू, क्योंकि जेन्युइनली ग्राउंड पे भी तो जाना पड़ेगा ना अपने को। तो पाकिस्तान तो आपका भाई जा नहीं सकता, तो पाकिस्तान के रिपोर्टर की आप जेन्युइन रिपोर्ट भी देखते हुए जाइए साथ साथ में। वीडियो बहुत मजेदार है, बहुत आपको बहुत मजा आने वाला है। वीडियो देखिए, आपका भाई मिलेगा आपको आखिरी में। और अब महंगाई ने कह लें कि तमाम अगले पिछले जो रिकॉर्ड है ना वो तोड़ के रख दिए। बल्कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो महंगी ना हुई हो। गंदुम देख लें, चीनी देख लें, रोटी, तेल, घी, फल, सब्जियां, यानी बुनियादी जरूरत की तमाम चीजें जो आम ने इस्तेमाल करनी करनी है अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक। कोई गोश्त बना लेगा, कोई दाल बना लेगा, कोई सब्जी बना लेगा, यानी सबने इस्तेमाल करना है। चीनी, गंदुम, आटा, सब चीजें तमाम लोगों ने इस्तेमाल करनी, अमीरों ने भी, गरीबों ने भी। अब बता दें, क्या ये सारी चीजें इनका मैंने नाम लिया है, ये बुनियादी जरूरत की जो चीजें हैं आवाम की पहुंच से बिल्कुल दूर नहीं होती चली जा रही? मतलब गरीब के लिए रोटी कमाना मुश्किल हो गया। गोश्त तो मतलब तसव्वुर ही नहीं कर सकता गरीब का बच्चा कि वो खाएगा ना। गरीब बाप अपने बच्चे को गोश्त खिला सकता है? सोच भी नहीं सकता। एक पीस है जो माँ ने जना है, ये भीख मांगने से शुरू हुआ था, अब भी भीख मांग रहा है। इंशाल्लाह ताला मरते दम तक मुझे पूरा यकीन है हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे इसकी रूह कब्ज करने, ये उनसे भी भीख मांगेगा। आप लोगों ने घबराना बिल्कुल नहीं है। आप लोगों ने उस वक्त तक नहीं घबराना जब तक आपको मैं गुसल वाले फट्टे पे ना लेटा दूं। और इमरान खान साहब ने इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए
विदाउट एनी डाउट, किसी बगैर शको शुबे के उन्होंने वाकई बिला शुबा बहुत 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 कोशिशें की, बहुत कह लें कि हाथ पैर मारे, कई वजीर खजाना तब्दील किए जिसपे उनको तनकीद का भी सामना करना पड़ता है। इसको पता अच्छी तरह से यहाँ पे इमरान खान बुरी तरीके से फेल हो चुका है, लेकिन फिर भी इमरान खान के बचाव के अंदर नंबर बनाते हुए कमेंट कर रही है, उस हिसाब से बात कर रही है, इतनी चतुर चालाक लोमड़ी है ये। अच्छा नाज़रीन, हर चीज की जो कीमत है उसको आग लगी हुई, इसे को कहते हैं ना आग लगना कीमत को, जब कीमत को आग लग जाए तो फिर आवाम क्या करेगी, तौबा तौबा ना करे तो क्या करे, मतलब आवाम अच्छी बातें तो नहीं करेगी ना, आवाम की फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, आवाम का गम गुस्सा बढ़ेगा, आवाम की नेगेटिविटी भी बढ़ेगी, जारी बात है, जिससे खर्चे नहीं पूरे हो रहे, जिसकी इनकम इतनी सी है और खर्चे इतने ज़्यादा हो गए, हर चीज़ महंगी हो गई, तो नफसियाती तौर पे देखा जाए ना इंसान की नफसियात बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, जब नफसियात मुतासर होती है इंसान यहाँ से सुकून में नहीं रहता तो फिर ज़िंदगी बेसकून होकर रह जाती है। आवाम जो बुनियादी ज़रूरियात से महरूम होते चले जा रहे हैं तो ज़ाहिर बात है उस सिचुएशन में, उस हालत में कोई पॉजिटिव कैसे सोचे, नेगेटिव थाट्स ही जहन में आती हैं, लोग नेगेटिव थाट्स ही सोचते चले जाते हैं, उसके बाद फिर माशरे में क्या होता है वही आप देखें, जगह जगह आप कहीं भी देख लें, चौकों में चौराहों में लोग एक दूसरे के साथ दस्तों गिरे बाहुए हुए हैं, लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, फ्रस्ट्रेशन गुस्सा क्यों, उसकी बहुत बड़ी वजह ये सब महंगाई कि इनकम इतनी सी और खर्चे इतने ज़्यादा और चीज़ हर चीज़ की कीमत को आग लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मदीने की रियासत है और इस मदीने की रियासत में ये कड़ी पत्ता लिया गया, ये 10 रुपये का एक है। अब आप ये बताएं कि इसकी क्या हैसियत है, जो 1 रुपये का मिलता था वो 10 रुपये का मिलता है। पब्लिक को मजबूर किया जा रहा है कि वो गैर कानूनी ज़रा इस्तेमाल करें या घुट घुट के मर जाएं। इन बातों का क्या किसी के कान पे कोई जूं रेंगेगी? क्या जो बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, जो वज़ीर आला हाउस में रह रहे हैं, जो बड़े बड़े पीएम हाउस में रह रहे हैं, उनको पब्लिक के दर्द का क्या एहसास हो सकता है? ऑर्डर बताओ, एक हफ्ते में कितनी कीमत में इजाफा आया सब्जी की, बताइए। ये तो इजाफा तो कोई पता ही नहीं चलता इजाफे का, तो मिनटों सेकंडों में इजाफा हो जाता है। इमरान खान की हुकूमत सही चल रही है? महंगाई तो बहुत कर दी है। क्या क्या महंगाई कर दी है? हर चीज़ महंगा, पकवान तेल कहाँ था, अब देखो 1550 रुपये का 4 किलो है, पर बड़ी बड़ी मोटी चीज़ सारी महंगी हो गई भाई। पैगाम है इमरान साहब के लिए? उनके लिए यही पैगाम है भाई, नौकरी पेशा वालों के लिए, पेंशनरों के लिए, उनके पेंशनें बढ़ाओ, तनख्वाहें बढ़ाओ, महंगाई कम करो, तो हमें कोई तकलीफ ही नहीं भाई। पालक 60 की बोली थी तो 50 के लिए। जब 50 रुपये की जनाब ये 1.25 किलो पालक, इससे पहले आपने जो पालक वगैरह खरीदी है वो किस हिसाब से खरीदी है बताइए? 20 रुपये की भी होती थी और मतलब मुतमईनी से हम ले सकते थे अपने घर का सौदा, अब बहुत मुश्किल है। अब मसला क्या है, मतलब चीज़ें सस्ती हो गई हैं या बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई हैं या थोड़ी सी महंगी हुई है? बहुत महंगाई है। खिजा महंगा, हमको ये बताइए आपके पाकिस्तान में पेट्रोल का, गैस का, तेल का, राशन का, अंडे का, चीनी का क्या भाव चल रहा है? आज हमारी देश की जनता को जानना ही है, आपके मुंह से जानना है। अब हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया और पेट्रोल की जो फी लीटर कीमत है उसमें जी 4 रुपये इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, और जो हाई स्पीड डीजल है उसकी कीमत में भी 2 रुपये इजाफा किया गया है। अच्छा सुन ले ज़रा, नोटिफिकेशन के मुताबिक जो लाइट डीजल है उसकी फ़ी लीटर कीमत में 8 रुपये 82 पैसे, मट्टी के तेल की जो फ़ी लीटर कीमत है उसमें 7 रुपये 5 पैसे इजाफा किया गया, और ये जो अब हालिया इजाफा है इसके बाद जो पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत है 127 रुपये 30 पैसे तक पहुँच गई है, 127 रुपये 30 पैसे, और हाई स्पीड डीजल जो है उसकी फ़ी लीटर कीमत 122 रुपये 4 पैसे, मट्टी के तेल की जो कीमत है 99 रुपये 31 पैसे, लाइट डीजल जो है वो 99 रुपये 51 पैसे तक पहुंच गया। सितम कह दूँ, जुल्म कह दूँ, सितम बस एक यही नहीं तोड़ा, जो एलपीजी गैस है वो भी महंगी हो गई और वो भी पूरे 29 रुपये 11 पैसे फ़ी किलो, जिसके बाद इसकी जो नई कीमत है वो भी ज़रा सुन लीजिएगा 203 रुपये 69 पैसे फ़ी किलो हो गई है, और एलपीजी के बाद एलएनजी जो है वो भी महंगी हो गई है। और जी आगे सुन लें जी, ओगरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक ये जो एलएनजी है 2.14 डॉलर फ़ी एमएमबीटीयू महंगी हो गई है। मेरे प्यारे पाकिस्तान के कुछ ख़ास मखसूस बग़ैर तो ये क्या कर रहे हो? अंडे कितने के ख़रीदे आपने, आधा किलो लीमू? ये आधे 160 रुपये के आधा किलो लीमू आपने ख़रीदे जी। और ये टमाटर? टमाटर 80 रुपये किलो ना। टमाटर 80 रुपये किलो, ये बताइए
महंगाई के अलावा कुछ भी नहीं। ये हुकूमत इतनी फेल हो चुकी है, इतनी बेगैरत हो चुकी है, फिर भी नहीं हटेगी ये। लेकिन आंटी हुकूमत काम तो कर रही है ना पाकिस्तान की। मुझे एक काम बता दें आप, जो काम किया है कोई काम भी बता दें आप। इन लोगों ने क्या महंगाई के अलावा, गरीब को मारने के अलावा कुछ नहीं किया है। बिजली के बिलों को देख रहे हैं आप, हम कितना टैक्स दे रहे हैं। अभी ये भी खरीदा तो टैक्स में है, ये भी बगैर टैक्स के कुछ भी नहीं है। और फिर कहते हैं कि पब्लिक टैक्स नहीं दे रही, कैसे नहीं दे रही है। लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि हम आवाम के लिए काम कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि मजीद आवाम के लिए काम कर रही है कि आवाम मर जाए। पेट्रोल आज दिन महंगा हो रहा है, क्या काम कर रही है आवाम के लिए। आवाम को बस कह रही है कि कब्रिस्तान भर लो, कब्रिस्तानों में भी जगह नहीं है, उसमें भी टैक्स दो तो कबर लो। ऐसे हुकूमत को तो आग लगा दो। जब से ये आया, जब से ये इतनी महंगाई हो गई, गरीब आदमी रोटी पेट भर के नहीं खा सकता। सिर्फ ये बता दें कि आपको क्या लगता है कि इस हुकूमत ने ये गलतियां की हैं जिससे आवाम परेशान है। बेटा हम पढ़े लिखे तो है नहीं, क्या खूबी क्या नहीं, सही है जो हमारे साथ हो रहा है, हम तो वो मसले आपको बता रहे हैं। और ये मसले पहुँचेंगे नहीं, ये यहीं तक किए देखा दिखावट के हम आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप लोग भी कुछ नहीं कर रहे हैं। किस वक्त मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल क्या खरीदा है आपने? सब्जी घर के लिए। सब्जी मुझे दिखाएं क्या सब्जी खरीदी है। अच्छा जनाब, ये अंकल ने मटर खरीदा है, इसमें अदरक है, इसमें लहसुन है, इसमें नमक आगे आई है, इसमें मिर्च है, तो ये कीमत में क्या कोई फ़र्क आया है कि सस्ती हो गई है चीज़? ये कोई फ़र्क नहीं है, क्या महंगाई हो गई। दुकानदार चोर है सब। दुकानदार चोर है या हुकूमत चोर है? चोर है ज़्यादा। हुकूमत चोर नहीं है? नहीं, हाँ दुकानदार चोर है। दुकानदार क्या चोरी कर रहे हैं बताइए? जिनका दाल वगैरह लगा रहे हैं, कोई 200 किलो दे, कोई 250 दे रहा है, एक 150 का दे रहा है, एक 100 का दे रहा है। अब ये दुकानदार ही चोर है। और जो हमारे वजीर खजाना साहब हैं वो एक अजीबोगरीब से लॉजिक पेश कर रहे हैं। क्या ही बेहतरीन लॉजिक पेश कर रहे हैं जी। शौकत तरीन साहब का क्लिप चलाइएगा सर। पाकिस्तान में बोलने के लिए तो पाकिस्तान में खजाना मंत्री है, लेकिन इनके खजाने में कुछ हो ना, गन बम बंदूक गोले आतंकवादी जिहादी यही तो मिलेंगे वहाँ पे, वो उस खजाने के मंत्री। खजाना मतलब वो नहीं सोने चांदी वाला है, वो तो है ही नहीं पाकिस्तान के पास। सुना आपने शौकत तरीन साहब क्या कह रहे हैं जी। खत्ते और दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं ना, उनके मुकाबले में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें अब भी कम है। यानी उनके मुकाबले में पाकिस्तान में किसान में की कीमतें कम है। सिर्फ 16 ममालिक ऐसे ना पेट्रोल की कीमत हमसे कम है, और वो ममालिक खुद तेल पैदा करते हैं। और क्या कहते हैं जी कि जी खित्ते के जो दीगर ममालिक है ना, मसलन भारत बांग्लादेश, उनके मुकाबले में अभी भी पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बहुत कम है। तो जनाब तरीन साहब, आप जिन मुल्कों में महंगाई की मिसाल दे रहे हैं, तो ज़रा एक और चीज़ भी बता देनी थी ना। फैक्ट्स एंड फिगर्स की जो बात की जाती है, ये देखें जी हम आपको बता रहे हैं, हकाइक पे हम अपनी चीज़ें बता रहे हैं। जिन मुल्कों में आप ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो वहाँ की जो फीकस आमदनी है वो पता है आपको? वो भी ज़रा देख लेते, वो भी हमसे ज़्यादा ही है ना। अब हुकूमत कह लें कि अपने दिफा में ये बातें कह रही है कि क्योंकि दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। और शौकत तरीन साहब कह लें कि एक बार फिर आवाम को क्या दे रहे हैं, तसल्लियाँ दे रहे हैं, तसल्लियाँ कि हौसला रखें, हालात बेहतर हो जाएंगे और बहुत जल्द बेहतर हो जाए, और हुकूमत गरीब तबके को बुनियादी जरूरियात की चीज़ों में रिलीफ भी देगी। अब देखने कि हुकूमत अपना ये वादा पूरा करती है या फिर हमेशा की तरह इस बार भी ये वादा दावा रहेगा जो पूरा नहीं हुआ होगा। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। कुछ नहीं कह सकते हो ना। नवाज शरीफ चंगा सी, बहुत अच्छे से, बेनजीर भी बहुत अच्छी सी, इसमें महंगाई कम थी। हाँ जी बहुत महंगाई कम सी। अच्छा अब अगर आपको वोट देने का मौका मिले तो किसको देंगे? नवाज शरीफ को। क्यों? जब बेनजीर दे बेटे को, वो बहुत अच्छे ने गरीबा ने हक च। लोगों को इसके बारे में परेशानी है कि महंगा हुआ, आपका क्या ख्याल? देखिए सस्ते माल थे, इस वक्त हम बेच लेते थे, अब अभी तक इतना बैठा पड़ा हुआ। लोग लेने नहीं आते, देख लो आपके सामने ही है, तो महंगाई बहुत ज्यादा, हम लोग क्या करेंगे। हाँ जी, तो आप हुकूमत को क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं हर चीज नीचे लाए और सस्ती होगी, हर लोग गरीब अमीर लेगा तो हम भी खुश, वो भी खुश। इमरान खान कहता है कि इतनी महंगाई नहीं है, मैं आवाम साथ नहीं दे रही, आवाम मैं कर्जे उतार रहा हूँ ना, तो अभी आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा ये जो महंगाई है, ये जो चीजें हैं, तो आप इसमें क्या कहते हैं? बर्दाश्त कर कर के हम तो फिर मर जाएंगे। इसको लेके यही ख्याल है कि ये जो हमारी हुकूमत माशाल्लाह बिस्मिल्लाह, मैं खुद पीटीआई का सपोर्टर रहा हूँ, सपोर्टर भी हूँ और वोट भी कास्ट किया है, लेकिन मुझे उम्मीद ये नहीं थी कि हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब यहाँ तक गरीब आवाम को ले आएंगे। ये 1 रुपए की समरी भेजी है ओगरा ने और 5 रुपए पे साइन कर दिए, ये कौन सा आपका रियासत मदीना है?
गरीब को पिसाई के पिसाई करते जा रहे हैं आप लोग, और गरीब के लिए कोई रिलीफ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग किसके पास जाएं? कंटेनर पे चढ़ गए कि जो अब अगर पेट्रोल या महंगाई हो तो ऊपर बैठा हुआ चोर है, तो चोर अब कौन है? खुद समझदार है, अगर समझदार है तो उसके लिए अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आपके दिमाग में जो भी आ रहा है फिजा को, पाकिस्तान को, महंगाई को, इमरान खान को लेके जो भी भड़ास निकालनी है फिजा बेगम के ऊपर, कमेंट के अंदर जरूर निकाल के जाइए, क्योंकि आपका कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, और जो हैशटैग लगा के PKMB लिखते हैं ना, वो मत लिखा करो, वो स्पैम में चला जाता, वो कमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं होता है आपका, ठीक है। भारत विरोधी चेहरा लेके हमेशा नहीं चल सकते, पूरी दुनिया के अंदर तुम कुछ भी बोलो लेकिन तुम्हारा घर ही सही नहीं होगा जब तक तुम दुनिया का कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, और भारत का तो बिल्कुल नहीं उखाड़ सकते हो। तो कम से कम जो तुमने आज काम किया है, आज बोला है अपनी मीडिया के अंदर, ये बहुत अच्छा लगा हमें, और ऐसे बोलना चाहिए। कम से कम आप अपनी गरीबी, अपनी गुर्बत, अपने लोगों के लिए काम करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ये आतंकवाद और इन सब को तुम छोड़ देते हो, आतंकवादियों को सपोर्ट करना, और ये जो तुम 70 सालों से चाले चलते आए हो, ये मक्कारी अगर तुम बंद कर दो तो भारत तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। भारत से अच्छा तुम्हें कोई दोस्त नहीं मिल सकता, लेकिन तुम्हारे दिमाग में जो जहनी कीड़ा है ना, जहनी कीड़े को मारना होगा, वो कीड़ा मरने के बाद तुम्हारी सोच थोड़ी डेवलप होगी, आतंकवादी जिहादी मानसिकता से तुम लोग बाहर निकलोगे, फिर एक लेवल पे जाके बात हो सकती है। फिर जितने भी दुनिया के इतने कितने भी बड़े बड़े मसले हो, वो बातचीत से ही हल होते हैं, जंगों से कभी मसले हल नहीं होते, जंगे करने के बाद में भी बातचीत करनी ही पड़ती है। तो वीडियो को रखते हैं यहीं तक। आपके भाई का इंस्टाग्राम भी है, आपका भाई का ब्लॉग चैनल भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहो तो सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। आपका भाई पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता है। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जै श्री राम।